हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए जिस चाइनीज ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ उसका नाम है प्रिंसेस यू हैव फाइव हस्बैंड। ये एक हिस्टोरिकल कॉमेडी रोमांटिक ड्रामा है जिसकी आईएमडीबी रेटिंग है 7.4। गाइस जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें, और अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एनिमेटेड स्टोरी से होती है। तांग किंगडम की एक राजकुमारी जिसे सभी वुहेन के नाम से जानते हैं। वुहेन स्वभाव में बहुत ही ज्यादा चंचल है। वुहेन को शादी करने के लिए जियांग क्सियोंग किंगडम भेजा जाता है। ये शादी सिर्फ और सिर्फ एक शांति समझौता होती है। जियांग क्सियोंग किंगडम तक की यात्रा इतनी लंबी होती है कि उन्हें 3 साल लग जाते हैं। सफर में उन्हें स्नो मॉन्स्टर, फायर ड्रैगन और मैन ईटिंग फ्लावर्स भी मिलते हैं। सफर के अंत तक सभी लोग मारे जाते हैं, सिर्फ वुहेन और उसकी नैनी बचते हैं। और अब हम एनिमेटेड वर्ल्ड से ह्यूमन वर्ल्ड में आते हैं। वुहेन वहाँ के राजा से मिलने जाती है। राजा के 5 बेटे होते हैं। फर्स्ट प्रिंस यीशी, जो अभी तो राजा का मंत्री है लेकिन राजा की मौत के बाद वही राजा बनेगा। सेकंड प्रिंस रेन, जो राज्य का डिफेंस जनरल है। थर्ड प्रिंस जिन, जो लड़कियों से ज्यादातर दूर ही रहता है क्योंकि वो अपने छोटे भाई फोर्थ प्रिंस से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। फोर्थ प्रिंस और थर्ड प्रिंस दोनों जुड़वा भाई हैं। फोर्थ प्रिंस कुओ, जो बहुत ही ज्यादा दयालु है। फिफ्थ प्रिंस जियोंग, जो सबसे छोटा और खड़ूस है। वुहेन जब राजा से मिलती है तो उनके साथ उनकी रानी और 5 प्रिंस होते हैं। रानी वुहेन का वेलकम करती है। राजा सभी प्रिंस से वुहेन का इंट्रोडक्शन करवाता है और अपना थंब दिखाकर इशारा करता है। वुहेन को राजा का इशारा समझ तो नहीं आता लेकिन वो बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि उसके सामने 4 हैंडसम प्रिंस बैठे थे। पता नहीं उनमें से कौन उसका पति है, लेकिन वुहेन की ये खुशी सिर्फ तभी तक रह पाती है जब तक उसे वहाँ के एक अजीब से रिवाज का पता नहीं चलता। जियांग क्सियोंग किंगडम के एक पुराने रिवाज के अनुसार एक परिवार के सभी सगे भाइयों की शादी एक ही लड़की से की जाती है। जब राजा वुहेन को इस रिवाज के बारे में बताता है तो वुहेन के तो तोते ही उड़ जाते हैं क्योंकि वहाँ बैठे 5 प्रिंस उसके पति हैं। इसके बाद हम वुहेन और उसकी नैनी को बात करते देखते हैं। उन दोनों की बातों से हम समझ पाते हैं कि उन दोनों को फंसाया गया है क्योंकि इस अजीब से रिवाज के बारे में उन्हें पहले नहीं बताया गया। वुहेन अपने राज्य में एक चिट्ठी भिजवाती है और वो कैलकुलेशन करती है कि अगर कोई लगातार चलते हुए जाएगा तो उसे सिर्फ 1 ही साल लगेगा, लेकिन 1 साल तक वो करेगी क्या। वुहेन को एक आइडिया आता है और वो 5 प्रिंस से मिलने जाती है। 5 प्रिंस लाइन लगाकर वुहेन के सामने बैठ जाते हैं। वुहेन उनसे कहती है कि तुम 5 और मैं 1, प्यार का ओवरडोज हो जाएगा। इस पर थर्ड प्रिंस उसे अप्रिशिएट करता है और कहता है कि उसे अपने राज्य वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन फर्स्ट प्रिंस उससे कहता है कि ये शादी सिर्फ और सिर्फ एक शांति समझौता है और अगर शांति बनाए रखनी है तो ये शादी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पर वुहेन कहती है तो फिर ठीक है, मैं तुम 5ों में से किसी एक को अपना पति चूज करूंगी। इस पर थर्ड प्रिंस खुश होता है और कहता है हाँ ये ठीक है, प्लीज तुम मुझे और फोर्थ प्रिंस को मत चुनना। लेकिन फोर्थ प्रिंस थर्ड प्रिंस को चुप कराते हुए कहता है पर ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि हम सभी तो पहले से ही इस शादी में हैं। फिफ्थ प्रिंस वुहेन को इस रिवाज की कहानी सुनाने लगता है। इसे सुनकर वुहेन वॉज लाइक मैं किन पागलों में फंस गई। वुहेन कहती है तुम 5 और मैं 1 अकेली अबला नारी, कुछ तो तरस खाओ मुझ पर। जिस पर फर्स्ट प्रिंस कहता है ठीक है, तुम हम में से किसी एक को अपना पति चुन सकती हो लेकिन कुछ शर्तें होंगी। इस बात का पता हम 6 लोगों के अलावा किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। तुम्हें ऐसा नाटक करना होगा कि तुम हम 5ों से शादी करके बहुत ही ज्यादा खुश हो, और जब तक तुम हम में से किसी एक को नहीं चुन लेती तब तक तुम्हें हम 5ों के साथ इक्वल बिहेव करना होगा। 5ों प्रिंस अलग अलग पोज देते हैं। फर्स्ट प्रिंस कहता है क्योंकि 1 हफ्ते में 7 दिन होते हैं इसीलिए शुरुआत के 5 दिन तुम एक एक करके हर एक प्रिंस के साथ बिताओगी और उस रात तुम्हें उसी प्रिंस के रूम में सोना होगा और 6th डे तुम जिसके साथ चाहो उसके साथ टाइम बिता सकती हो। 7th डे तुम सिर्फ और सिर्फ रेस्ट ही करोगी। ये सारी बातें कहकर फर्स्ट प्रिंस वुहेन की तरफ आंख मारता है और 5ों प्रिंस अलग अलग तरह के फेस बनाते हैं। इसके बाद इक्वलिटी का सिलसिला शुरू हो जाता है। फर्स्ट नाइट
जो वुहेन को फर्स्ट प्रिंस के साथ गुजारनी होती है। वो दोनों बेड पर बैठे होते हैं। फर्स्ट प्रिंस वुहेन को बड़ी ही रोमांटिक नजरों से देख रहा होता है और बेचारी वुहेन अनकंफर्टेबल हो रही थी। फर्स्ट प्रिंस कहता है, क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा प्रिटी हो इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। एक साल बाद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ के क्या रिवाज हैं। मैं तुम्हें पूरा अधिकार दूंगा कि तुम हम पांचों में से किसी एक को चुनो, लेकिन तब अगर तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे ही चुनोगी, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें जहर देकर मार दूंगा। जिस पर वुहेन कहती है, तुमने पहले मुझसे कहा कि तुम मेरी हेल्प करोगे और अब कह रहे हो कि तुम मुझे जहर देकर मार दोगे। तुम सच में कमीने हो। ये कहकर वुहेन सो जाती है और फर्स्ट प्रिंस ऑडियंस को एक फ्लाइंग किस देता है। इसके बाद हम 6 महीने बाद हेतांग के राजा को देखते हैं, जिनके पास वुहेन का एक लेटर आता है जिसमें लिखा था, मैं वापस आना चाहती हूँ, जिसे पढ़कर राजा स्माइल करता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।